अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। फैंस, आज जो है माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बादल आया हुआ है और जद्दा के अंदर, खासकर जद्दा के अंदर जब बादल आता है या मौसम काफ़ी जो है थोड़ा खुशगवार होता है, हवा चलती है, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस माहौल को, क्योंकि यहाँ पर ये सारा ड्राई एरिया है और इधर बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पर जब बादल वगैरह आते हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो बारिश के कोई इम्कानात होते हैं, तो लोग निकलते हैं घरों से इंजॉयमेंट के लिए, घूमते फिरते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है खुशी मनाई जाती है बारिश जब होती है। तो इसलिए आज हम निकले हैं, बादल वगैरह आया हुआ है तो बार बार धूप छुप रही है और काफ़ी अच्छा एक व्यू हमें लग रहा, नज़र आ रहा है माशाल्लाह, और रोडों पर काफ़ी रश भी है, तो हम भी निकल रहे हैं, तो निकल के ज़रा समुंदर का एक व्यू देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर चल के देखते हैं कि आज वहाँ पर कैसा माहौल है। हवा काफ़ी तेज़ है, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टाइम पहुंचे हैं जद्दा सीज़न के ऊपर, आज जद्दा सीज़न देखने के लिए आए, और मौसम अच्छा होने के साथ साथ रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अब चल के देखते हैं कि इनका अंदर का क्या माहौल है। बड़ा माहौल बना हुआ है भाई यहाँ पे माशाल्लाह। ये भी कोई जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगे हैं, तो देखते हैं क्या है।
हम यहाँ पर भी आए तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, क्योंकि वो बताया ना कि ये जो है ना अर्जेंटीना के साथ जो मैच जो इन्होंने जीता है ना, ये उसकी खुशी में जो है ना अपनी टीम को जो है ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। इस वजह से वो फिर बहुत रौनक है, आज जो है वो है भी हॉलीडे है, इस वजह से वो दुनिया आ रही है, माशाल्लाह बड़ा रश है। ये हम जद्दा सीजन में खड़े हैं इस वक्त, काफी मजा आ रहा है, आगे चलते हैं, इनके पास और क्या है। ये हम पहुंच चुके हैं मस्जिद रहमा पर। मस्जिद रहमा, इस मस्जिद की माशाल्लाह ये बात है कि ये ना समुंदर के बिल्कुल अंदर है, ये समंदर के बिल्कुल अंदर है। तो नमाज का टाइम हो गया, अंदर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जरा अंदर से भी आपको व्यू दिखाते हैं। चले
माशाल्लाह मस्जिद अर-रहमा बहुत खूबसूरत थी, इसको रेनोवेट किया गया है इसलिए अभी ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई माशाल्लाह। तो अंदर नमाज पढ़ने का बड़ा मज़ा आया और ये देख सकते हैं कि रात को तो जद्दा सीज़न का जो है वो व्यू ही बदल गया है। अब समंदर तो इतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन माशाल्लाह जो रोशनियाँ वगैरह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। चलते हैं आगे देखते हैं कि इनके पास और क्या है। इन्होंने यहाँ पे स्कूटियाँ भी रखी हुई हैं जो किराए पे ली जा सकती हैं। इधर इनका ये QR है, ये QR स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल जैसे इधर रखेंगे और ये एक्टिव हो जाएगी। तो ट्राई करते हैं ज़रा हम भी। ये मेरे पास है, ये और स्कैन राइड, ये ले। कंफर्म पेमेंट, ओके। ये देखिए ये एक्टिव हो गई है। हमारे साथ में जा रहा है Formula 1 का रेस ट्रैक। जब फर्स्ट टाइम जो सऊदी अरब में जो रेस हुई थी फॉर्मूला की, तो वो इधर हुई थी बिल्कुल कॉर्निश के ऊपर। माशाल्लाह, शोफ देखे जी इसका हाइट माशाल्लाह मेरी 186 जो है ना सेंटीमीटर मेरी हाइट है और माशाल्लाह ये मेरे से भी ऊपर है। आई कांट इवन टच हिम। माशाल्लाह अमेजिंग। बाहर निकल रहे हैं और हर चीज़ ग्रीन हुई हुई है यहाँ पे माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लग रहा है मंजर ना। हर चीज़ यहाँ पे ग्रीन हुई हुई, दिन के टाइम जो देख के गए थे वो तो और था, रात के टाइम तो भाई माशाल्लाह और ही चीज़ बन गई सुभानअल्लाह। बरकफ अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। अभी तक आगे से मुझे ढोल की धाप सुनाई दे रही है। फैंस हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू था। ये जो सारी चीज़ इन्होंने ग्रीन की हुई है
ये अपनी टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं विक्ट्री की खुशी में, तो वो आ जाए या शायद कल हो ये फेस्टिवल, उसके बाद नहीं है। तो इन्होंने अपनी टीम को एक ट्रिब्यूट पेश किया, इस तरह जश्न मनाया जा रहा है तो उसकी खुशी में उन्होंने फेस्टिवल लगाया हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो स्कूटी भी हमने ट्राई की, उन्होंने एक वैसे सर्विस रखी हुई उन लोगों के लिए कि जो चल नहीं सकते तो वैसे घूम लें इसके ऊपर। तो चलते हैं आगे, चलते हैं अपने यहाँ से ना। ये मैंने 28 रियाल इन्होंने चार्ज किए हैं और 20 मिनट जो थी इसकी फीस थी। तो हमने जो है ना 28 मिनट इसको यूज़ किया है। तो इसका उन्होंने सिस्टम है कि वैसे ही कार्ड में डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड लगा दें, तो क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद जो है ना इसके अंदर से पैसे कट जाते हैं। तो ये अब हमने इसको जो है एप्लीकेशन से हमने इसे एंड्रॉयड कर दिया था और अब ये बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गई है, ये नहीं चल रही। तो ये सारा एप्लीकेशन का सिस्टम है इसका और काफ़ी मज़ा आया। ये 1.4 रियाल यानी 1 रियाल 40 हलाले पर मिनट का ये लोग चार्ज करते हैं अपना। तो इसका जो है ना हमने 28 इसको 20 मिनट हमने इस्तेमाल किया तो मज़ा आया बैकअप। तो अभी हमने इसे खड़ा कर दिया, इसको जहाँ मर्जी छोड़ दें, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि घूमनी ज़रूरी पार्क करनी वगैरह, जहाँ मर्जी छोड़ दें वो खुद ही ले जाएंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं चोहा कॉर्नर। चोहा कॉर्नर एक लबनानी रेस्टोरेंट है और यहां पर हम खाने आए हैं हुमस। इनका हुमस बहुत मशहूर है, बिल्कुल हम लोग ये हरमैन जद्दा मक्का एक्सप्रेस के ऊपर ही है, ये सफा के अंदर। तो हम अंदर चल के देखते हैं। हमने ऑर्डर किया है मुशक्कर मिक्स, उसके अंदर उनके काफ़ी लवाजमात होते हैं साथ हुमस और तामिया। तो हमने वो ऑर्डर किया है, तो बात है तो आपको दिखाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ देते हैं। जी हमारे पास सबसे पहले है ये है फ्राइड चिली, ओके ये मिर्ची फ्राई की है। इसके बाद है हमारे पास तामिया, इसको फलाफल कहते हैं। उसके साथ है फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, साथ हुमस की प्लेट, इसकी डेकोरेशन देखे कितनी ज़बरदस्त है। और है हमारे पास पिकल्स, ठीक है ये इनके अपने पिकल्स होते हैं। और साथ है ये टमाटर, ये टमाटर इन्होंने दिए हुए
स्लाइस बना के तो बड़े मज़ेदार होते हैं ये भी। और उसके साथ है एग प्लांट, ये पिकल वाले एग प्लांट है, ठीक है, टमाटो के जूस के अंदर है, जिसमें ये टमाटर रखे हुए उसी के जूस में ये एग प्लांट बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ जो एग प्लांट है ये है फ्राइड वाले, फ्राइड बैंगन इन्हें कह सकते हैं, तो ये ज़्यादातर सैंडविचों में डालते हैं, तो ये इन्होंने इसके भी सर्विंग में जो है उन्होंने दिया है, ठीक है। तो साथ हमें मिले हैं ये है खुबस, ये अभी हमने यहाँ पे पिकल लिए हैं, और साथ हमने जो वो एग प्लांट लिया है, और ये सारी सैलड डाल के साथ हमने तामिये रखे हैं, और फ्रेंच फ्राइज लगाने के बाद अब हम खुबस के साथ इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट, इसके अंदर जो जूस है टमाटरों का वो बहुत मज़ेदार है कि इसका एक अपना ही जायका है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे सामने सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त डिश है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, अपने लवाजमा थोड़े चेंज करेंगे। तो अब हमने लिए हैं फ्राइड एग प्लांट, साथ तामिया, फ्राइज, मिर्च इसकी बारी बाद में आती है। अब इसको हम खुमस के साथ ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आप देख सकते हैं इसे, साथ टमाटर, ये जूस है इनके अंदर। बिल्कुल जूस है इसके अंदर, खट्टा सा, आला, जबरदस्त। ये वाले जो है एग प्लांट है जो पिकल के फ्लेवर में बनाए गए हैं, इसे भी ट्राई करते कैसा है। सेम टेस्ट है तकरीबन इसका, जैसा वो दूसरे फ्राइड वाले, ये तकरीबन एक जैसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन इसके साथ भी एक हम वाला बना के ट्राई कर लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा खुबस में रखा, साथ हमने लिया पिकल, तामिया, अब हम खुमस में लगाएंगे, वो भी ऑलिव ऑयल वाली साइड से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ लेंगे हम टमाटर, मिर्च की बारी अब आती है। राइस, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, जो साथ सैलड डाली गई है, सैलड इतने ज़्यादा लवाजमात है कि समझ नहीं आती कि किसको पहले ट्राई किया जाए। सैलड बहुत ही फ्रेश है, पिकल्स बहुत ही फ्रेश है, और तामिया भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसे दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, ये अगर आप जूम करके देखें तो ये तामिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह। तो इसको अब ऐसे ही हम ट्राई करेंगे, इसमें रखेंगे फ्राइज, साथ रखा हमने पिकल, पिकल जो है ये इनके एग प्लांट है, वो भी खुमस के साथ लगा लिए अब हमने। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिश है, मिर्च खा के देखते हैं इसके साथ हम। यही पिकल्ड जो है टमाटोज़,
ओके हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो खुबस और उसके साथ जो टमाटर और जो दो तरह के बैंगन, और इतने ज़्यादा लवाजमात थे कि समझ नहीं खा रहा कि किसके साथ खाए और किसके साथ नहीं, लेकिन वो बहुत मज़ेदार था। और एक जो नई चीज़ मुझे खाने को मिली, वन ऑफ माई फेवरेट, तो फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।